पुष्पा क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जाली वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। चलते हैं ट्यूटोरियल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। इसमें मैंने 3 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं प्लस 2 करे हैं। बॉर्डर बुनने के बाद 2 लाइनें हमने सीधी और उल्टी बुननी है, उसके बाद ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। पहला फंदा हमने सीधा बुना, उसके बाद ये तीसरे फंदे को हमने उल्टे फंदे की तरह उठाया और ये दोनों फंदे को ऊपर से ऐसे पास कर दिया। अब हमारे ये 2 फंदे हो गए। पहला फंदा हमने सीधा बुना, धागे को अपनी तरफ किया, दूसरे फंदे को सीधे फंदे की तरह बुन लिया। इस तरह फिर से हमारे ये 3 फंदे हो गए। अब अगले 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, धागा हमारा पीछे ही रहेगा। 3 फंदे हमने सीधे बुने। अब हमने फिर से पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे फंदे को ऐसे उठाया और इन दोनों को ऊपर से ऐसे पास किया। पहले फंदे को हमने सीधा बुना, धागा अपनी तरफ किया, दूसरे फंदे को भी हमने सीधे फंदे की तरह बुन लिया। फिर आगे के 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 2 और ये 3। अब फिर से हमने ये तीसरे फंदे को ऐसे उठाया और ऐसे पास किया। अब 2 फंदे में पहला फंदा हमने सीधा बुना, धागे को अपनी तरफ किया और दूसरे फंदे को भी हमने सीधे फंदे की तरह बुन लिया। ऐसे ही हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे हमने सीधे बुने। पहला फंदा सीधा बुना, धागे को अपनी तरफ किया, दूसरे फंदे को भी हमने सीधा बुन लिया। इस तरह ये हमारे फिर से 3 फंदे हो गए। आगे हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 3। इस फंदे को ऐसे उठाना है और इसके ऊपर से 2 फंदों को ऊपर से पास करना है। पहला फंदा हमने सीधा बुना, धागे को अपनी तरफ किया, दूसरे फंदे को भी हमने सीधे फंदे की तरह बुन लिया। इससे ये 3 फंदे हो गए। अब आगे हमने 3 फंदे सीधे बुने। इससे उठा के पहला फंदा हमने सीधा बुना, धागे को अपनी तरफ किया, दूसरे फंदे को भी हमने सीधे फंदे की तरह बुन लिया और लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बुन लिया। इस तरह ये डिज़ाइन की हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। ये 4 लाइनों का डिज़ाइन है। अब चलते हैं सेकंड लाइन पे। ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड में हमने पूरी लाइन उल्टा बुनना है। इसमें हमने कुछ नहीं करना है, पूरी लाइन उल्टी बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की दूसरी लाइन भी कंप्लीट होने वाली है, जो कि हमने पूरी पूरी उल्टी बुनी है। ये हमारी दूसरी लाइन भी बनके कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड पे तीसरी लाइन। इसी लाइन में हमें ये देखना है, ये हमारा जाली वाला फंदा है। ये जाली वाला फंदा है। इसके आगे के जो 2 फंदे हैं, दोनों को हमने सीधे फंदे की तरह 2 का
एक कर देना है। धागे को अपनी तरफ किया, ये जाली वाला फंदा है, इसके ऊपर हमने जाली बनानी है। ऐसे ही हमारी ये जाली बन गई। धागे को अपनी तरफ किया, इस फंदे को हमने पलटा के सीधा कर लिया, जिससे ये चेन सी बन गई। अब इसको दोनों फंदों के बीच से डाल के पीछे की तरफ और सीधे फंदे की तरह बुन लेना है। अब अगले फंदे को हमने एक फंदे को सीधा बुनना है। अब फिर से हमने वही करना है, ये जाली वाला फंदा है ये वाला, इसके आगे के दो फंदे हैं, इनको हमने सीधे फंदे की तरह ऐसे बुनना है। धागे को अपनी तरफ करके ये जाली वाला फंदा है, इसके ऊपर हमने ऐसे जाली बना लेनी है। फिर धागे को अपनी तरफ किया, इस फंदे को इस सिलाई में उतारा और इस सिलाई को नीचे डाल के ऐसे हमने सीधा कर लिया, ताकि ये चेन सी बन जाए। उसके बाद इसको और अगले फंदे को बीच से डाल के पीछे की तरफ सीधे फंदे की तरह बुन लेना है। अब अगला फंदा हमने सीधा बुनना है। ये जो बीच के जो तीन फंदे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले, ये क्या होंगे, एक इसके साथ आ जाएगा, एक इसके साथ आ जाएगा, और बीच का ये फंदा हमने सिंगल बुन लेना है। अब ये जाली वाला फंदा है, इसके आगे के दो फंदे हमने एक साथ बुनने हैं। धागे को अपनी तरफ करना है, ये जाली के ऊपर हमने एक जाली बनानी है। धागे को अपनी तरफ किया, इस फंदे को हमने पहले सीधा कर लिया, उसके बाद ये दोनों फंदों के बीच से पीछे की तरफ निकाल के और सीधा बुन लेना है। अब ये एक फंदा जो बीच का मैंने बताया था, ये हमने सीधा बुनना है ऐसे। अब ये जाली वाला फंदा है, इसके आगे के दो फंदे हमने एक साथ सीधे बुनने हैं। धागे को अपनी तरफ करना है, यहाँ पे हमने जाली के ऊपर जाली बनानी है। फिर धागे को अपनी तरफ करना है, इस फंदे को हमने ऐसे पलटा के सीधा कर लेना है। फिर ये दोनों फंदों के बीच से पीछे निकाल के सीधे फंदे की तरह ऐसे बुन लेना है और इन दोनों को ऐसे निकाल देना है। फिर ये फंदा हमने सीधा बुनना है, एक फंदा। फिर आगे ये जाली है, जाली के आगे के जो दो फंदे हैं उनको हमने एक साथ दो का एक कर देना है। धागे को अपनी तरफ करके ये जाली वाला फंदा है, इसके ऊपर हमने ऐसे जाली बन जाएगी हमारी। फिर धागे को अपनी तरफ किया, अगले फंदे को हमने पलटा लिया, ये हमारा फंदा सीधा हो गया। अब ये दो फंदों को एक साथ सीधे फंदे की तरह हमने बुन लिया। अगले फंदे को हमने, ये जो चेन सी जा रही है, इसको हमने सीधा बुन लिया। फिर से वही, ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसके आगे के जो दो फंदे हैं उसको हमने सीधा बुना। धागे को अपनी तरफ किया और ये जाली वाले फंदे के ऊपर हमने ऐसे जाली बना ली। धागे को अपनी तरफ किया, अब इस फंदे को हमने ऐसे पलटा लिया, सीधा कर लिया। अब ये दो फंदों के बीच से हमने पीछे की तरफ सीधे फंदे की तरह बुन लिया। ये डिज़ाइन की तीसरी लाइन भी बनके कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं चौथी लाइन पे, बैक साइड पे। बैक साइड में हमने पूरी लाइन उल्टी उल्टी बुनना है। पूरी लाइन हमने उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये डिज़ाइन की हमारी चौथी लाइन है। ये चार लाइनों का डिज़ाइन है। इस तरह ये हमारा डिज़ाइन भी बन के कम्प्लीट हो गया है।
पूरे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं चौथी लाइन में। दूसरी और चौथी लाइन हमारी पूरी पूरी उल्टी बुननी है। इस तरह ये चौथी लाइन भी बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड पे। अब आगे अगला पैटर्न चालू करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा, पहला फंदा तो हमने सीधा बुनना है। अब ये तीन जो फंदे दिख रहे हैं जाली के ऊपर, अब हमने इनको पहले हमने सीधे बुनना है। पहली बार हमने तीन फंदों को एक दूसरे के ऊपर से पास कराया था, अब हम अगला जब शुरू करेंगे तो तीन फंदे, पहला फंदा तो हमारा एक्स्ट्रा फंदा हमने सीधा बुन लिया, ये तीन फंदे हमने फिर से सीधे बुने हैं। अब हमने फिर वही प्रोसीजर अपनाना है, ये तीसरे फंदे को उठा के इसके ऊपर से ऐसे पास कर देना है, ऐसे जैसा हमने पहली लाइन में किया था। सीधा फंदा बुना, धागे को अपनी तरफ किया, दूसरे फंदे को भी हमने सीधा बुन लिया। अब ये जो तीन फंदे दिख रहे हैं जाली के, ये जाली वाले, इनको हमने सीधा बुनना है। तीन फंदे हमने सीधे बुनने हैं। ये तीसरे फंदे को उठा के ये दो फंदों के ऊपर हम से ऐसे पास कर देना है। पहला फंदा हमने सीधा बुना, धागे को अपनी तरफ किया और दूसरे फंदे को भी हमने सीधा बुन लिया। ऐसे ही हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये तीन फंदे अब हमने सीधे बुनने हैं। बस स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान रखना है, उसके बाद बीच में तो सेम वही प्रोसीजर है, धागे को अपनी तरफ करके दूसरे फंदे को भी हमने सीधा बुन लिया, जैसे ये तीन हो गए। बस ऐसे ही आगे दोहराते रहना है। ये डिज़ाइन की हमारी ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब स्टार्टिंग में भी चार हमारे सीधे हैं और लास्ट में भी हमारे चार सीधे हैं। और बैक साइड पे हमने पूरी लाइन उल्टी बुनना है, इसमें हमने कुछ नहीं करना है, पूरी लाइन उल्टी बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। इससे हम पूरी लाइन हमने उल्टा बुनना है। ये वाली लाइन भी मेरी कंप्लीट हो गई है, जो कि मैंने पूरी उल्टी बुनी थी। अब आते हैं इस फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे हमने ये देखना है कि हमारा जाली वाला फंदा कौन सा है। जाली वाला फंदा हमारा ये वाला है। इसके आगे के दो फंदों को हमने दो का एक करना है, इसलिए आगे के तीन फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब ये जाली वाला फंदा है, इसके आगे के दो फंदे हमने सीधे बुने हैं, ऐसे धागे को अपनी तरफ करना है। ये जाली वाला फंदा है, इसके ऊपर हमने आगे करके ऐसे जाली बना लेनी है, फिर धागे को अपनी तरफ करना है। इस फंदे को हमने ऐसे पलटाना है और ये दो का एक कर लेना है, दो फंदे का एक कर दिया हमने। अगले फंदे को हमने सीधा बुनना है। फिर से हमने ये जाली है, जाली के आगे के दो फंदों को हमने सीधा बुनना है, ऐसे धागे को अपनी तरफ करके ये जाली वाले फंदे के ऊपर हमने ऐसे जाली बना लेनी है, फिर धागे को अपनी तरफ करना है। इस फंदे को हमने ऐसे सीधा पलटा लेना है ताकि ये सीधा हो जाए, और सिलाई को बीच से पीछे की तरफ निकालना है और सीधे फंदे की तरह ऐसे बुन लेना है। उसके अगले फंदे को हमने सीधा बुनना है। बस सेम ऐसे रिपीट करते जाएंगे, जाली जाली के आगे के दो फंदे, दो का एक करना है, धागे को अपनी तरफ करके जाली के ऊपर हमने ऐसे जाली बनानी है, फिर धागे को अपनी तरफ किया, इस फंदे को हमने पलटाया और दो फंदों के बीच से हमने सीधे फंदे की तरह बुन लिया, और अगले एक फंदे को हमने सीधा बुना।
ऐसे ही हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। लास्ट के सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमारे सीधे फंदे थे, इसमें स्टार्टिंग में भी हमारे तीन फंदे सीधे हैं और लास्ट में भी तीन फंदे सीधे हैं। अब ये चौथी लाइन जो है इसमें हमने पूरा उल्टा बुनना है। चौथी लाइन पूरी उल्टी बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। पर इस तरह हम डिज़ाइन को आगे रिपीट करते जाएंगे। अब ये वाली लाइन भी मेरी कंप्लीट हो गई है, जो कि मैंने पूरी उल्टी बुनी थी। इस तरह ये डिज़ाइन मेरा बनके कंप्लीट हो गया है। आगे जब स्टार्ट करेंगे तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में पहली लाइन शुरू करी थी, आगे उस तरह करेंगे स्टार्ट। ये मेरा डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन पे, बच्चों के स्वेटर पे, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सुंदर डिज़ाइन है। यदि आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।